खबर सोनभद्र से है। संपूर्ण जगत को शांति और मानवता का संदेश देने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्व बुद्ध पूर्णिमा रावर्सगंज में मनाया गया। आज 26 मई को दिन बुधवार बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गंगा राम बौद्ध शिक्षण संस्थान के प्रांगण में बौद्ध प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके इस वैश्विक महामारी से जल्द ही उबरने की मंगल कामना करते हुए विगत वर्षों की तरह शांतिपूर्वक मनाया गया। महात्मा गौतम बौद्ध के शांति संदेश को दोहराते हुए सभी लोगों से अपील की गई कि इस महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करने व बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। प्रबंधक निर्मला मौर्य ने सभी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध करते हुए महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित की तथा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के जिला अध्यक्ष रामचंद्र मौर्य ने संदेश दिया कि सभी लोग शांतिपूर्वक मिलजुल कर रहे। इस मौके पर कुश मौर्य, गुड़िया रानी कुशवाहा, अभय मौर्य और हरिश्चंद्र मौर्य उपस्थित रहे। सोनभद्र से हमारे संवाददाता हरिश्चंद्र मौर्य की रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा 2004 से हमारे स्कूल पर मनाया जाता है। ये विद्यालय का नाम से गंगाराम बौद्ध शिक्षण संस्था मानपुर है। मैं अपने पिताजी के नाम पर रखा हूँ इस विद्यालय का नाम। और बुद्ध पूर्णिमा मनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व के लोग शांतिपूर्वक मिलजुल करके आपस में सहयोग करते हुए एक दूसरे का सहयोग करें ताकि इस कोरोना महामारी से हम लोग उभर सकें और पूरे विश्व के लोग एक दूसरे के देश का सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम इससे निजात नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यह मानव सभ्यता के विनाश का एक रोग है, बहुत बड़ा रोग है जिससे कि मानव सभ्यता नष्ट हो सकती है। इसलिए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए साहस को बढ़ाते हुए और सभी लोग मिलजुल करके बुद्ध पूर्णिमा पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग आपस में मिलजुल कर शांति में रहें। जी, तो ये बताइए मान साहब कि बुद्ध जी का मतलब इतिहास क्या रहा, कुछ बताएंगे उनके विषय में? बुद्ध जी शुरू से ही शांत स्वभाव के थे और राजा के लड़के थे। राजा के लड़के होने के बावजूद उनका मन वैराग की तरफ था और वो जो है सब सुविधा होने के बावजूद तीन महल, एक जाड़ा के लिए, गर्मी के लिए, बरसात के लिए उनके पिताजी बनवाए थे, सारी सुविधा दिए थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके करुणा भाव उनके अंदर जगी और उस करुणा को कारण है, दुख का कारण है तो कारण का निवारण है। उसी खोज में कि दुख क्या है, दुख का कारण है तो निवारण है, तो दुख कैसे हम मिटा सकते हैं। ये मानव जीवन में बहुत सारा दुख है तो इसके खोज में मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानव के शांति के लिए, एक शांति का संदेश देने के लिए भगवान बुद्ध अपना घर छोड़ करके मानव के हित में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए और पूरी दुनिया को संदेश दिए कि हे दुनिया के लोगों, आजीवन अगर शांतिपूर्वक मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है शांतिपूर्वक जीवन, सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। देशवासियों के लिए क्या कहेंगे बुद्ध जी? देशवासियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारी यही अपील है कि पूरे भारत के जितने लोग हैं आपस में मिलजुल करके भाईचारे, सभी धर्मों को छोड़ करके, धर्म से कोई मतलब नहीं है, हमारा मानव विकास, मानव सभ्यता, मानव समाज, मानव हित में हमारा कार्य होना चाहिए। हम किसी धर्म के प्रति कट्टरता का संदेश नहीं देते हैं, मानव मानव एक समान। बुद्ध जी का यह संदेश है कि मानव मानव एक समान है, कोई जाति है, न धर्म है, न संप्रदाय है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम आप गैर सभी लोग मानव हैं और मानव के संपन्नता के लिए, मानव समाज के हित के लिए, मानव के खुशहाली के लिए एक दूसरे के जीवन को समर्पित करें, यही मेरा संदेश भारत के देशवासियों के लिए है बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। चलिए महाराज,